वही मैंने पहले कहा ना, जो इसके अंदर जो मजा है हाँ। वो उन गाड़ियों में नहीं। अच्छा, चलिए एक महीने का इसका हाँ, एक्सपीरियंस हाँ, आपको बताया, बहुत अच्छी गाड़ी है। आप कहें कोई चीजें अच्छी हैं तो कोई वो है, वही मजा है तो सजा क्या है, क्योंकि अब सजा हमारा पूछना है। यही है क्योंकि हम वहाँ आपके गए थे रांची, अच्छा, तो वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी की रेंगलर देखी थी मैंने। हेलो भाई, मैं हूँ आसिफ सुभानी और ये भाई आपके सामने खड़ी है इस लोकेशन पर, जहाँ पर आप जान सकते हो कि इजिली कोई भी गाड़ी आ सकती है। तो वो ऐसे ही 4x4 हो गई या फिर हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी आती है, यानी आसानी से। ऐसे अभी के टाइम तो नॉर्मल कोई भी गाड़ी आ जाएगी जिसकी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस हो, बट 4x4 की अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यही आप देख लो यहाँ पर जाना है, तो भाई इस जगह हर गाड़ी हो जाती है फेल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महिंद्रा थार की टोटल ऑनरशिप एक्सपीरियंस कह ले या फिर रिव्यू कह ले, जो अपना देने वाले हैं अपने साथ हैं इस गाड़ी के ऑनर संतोष सर। हाय, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाए भैया। मैं संतोष सिंह रोहतास डिस्ट्रिक्ट का रहने। अच्छा, रोहतास के। अभी पटना में रहना हो रहा है। पटना में रहना हो रहा है बच्चों लोग के स्टडी वगैरह को लेके। अच्छा हाँ, स्टडी जरूरी है इस वजह से, है ना? बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है स्टडी ही। तो इसका जो है कितना प्राइस पड़ गया आपको और कितने दिन पुरानी है ये गाड़ी? ये अभी हमको 23 अक्टूबर दिवाली से एक दिन पहले हमने इसकी डिलीवरी ली है। अच्छा, और फरवरी 13 फरवरी को हम लोगों ने इसकी बुकिंग की हुई थी। अच्छा, 13 फरवरी 2022। अच्छा ठीक, 11 मंथ की इसकी वेटिंग थी। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि भाई आपको 11 महीने वेट करना होगा इसके लिए। जी, तो वहाँ पे बच्चे वगैरह गए हुए थे, वाइफ भी गई थी, तो उन लोगों ने बोला भाई ये गाड़ी तो इसके बगल में लगी थी XUV700। अच्छा हाँ, तो XUV700 बोलो कि नहीं, डेमो में लगी हुई थी गाड़ी वहाँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, वो तो अलग चीज है और ये अलग चीज है, दोनों दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। अलग क्या है, मैं उनसे बताइए थोड़ा। अलग क्या है कि हम लोग सेडान मॉडल या XUV मॉडल यूज कर चुके, लेकिन कोई भी गाड़ी अभी हमने 4x4 नहीं ली थी। अच्छा, मतलब थी ही नहीं ट्रेंड में। हाँ हाँ हाँ, इधर थोड़ी ज्यादा इधर आई है गाड़ियां, हाँ ट्रेंड ज्यादा हो गया है इधर। हाँ हाँ, और क्या है कि जो इसका मजा है वो उनमें नहीं है। XUV700 स्कॉर्पियो एन आ गई है, क्लासिक आ गई वगैरह, हाँ, हाँ, ठीक है जी, वो चीज जो इसमें है वो उसमें नहीं है, फॉर्च्यूनर में नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं है। क्यों नहीं है फॉर्च्यूनर? मतलब इसमें क्या है, 4x4 है थोड़ा, हाँ लुक लुक क्या है फॉर्च्यूनर की, जो फ्रंट दो सीट है, ड्राइविंग सीट और को ड्राइवर सीट, बहुत अच्छी है और बहुत मजा आता है। लेकिन उसकी जो पीछे की सीटें हैं वो नहीं है। अगर आपके साथ कोई 6 फिट का आदमी बैठा हो और गाड़ी कभी जर्क कर जाए तो वो सीलिंग में टच कर जाता है। अच्छा, हेडरूम जो है वो थोड़ी कमी कम लगती है ना? और उतनी महंगी गाड़ी लेंगे उसमें वो, मतलब पता नहीं क्यों अब हमारे बिहार का ट्रेंड कहिए या जो कहिए तो फॉर्च्यूनर के पीछे लोग दौड़ते हैं। और इंडेवर भी थी तो फोर्ड ने भाई बैक कर ली। इससे पहले कौन सी गाड़ी आपके पास थी? इससे पहले मेरे पास जाइलो है, महिंद्रा की ही है। अच्छा है अभी? हाँ जी है। बेची नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं बेची वो है। नंबर भी मैंने उसी का वो किया हुआ, ये मेरा नंबर चॉइस है। अच्छा, चॉइस नंबर है। यही नंबर, सिर्फ सीरीज जो है वो अलग है, 1007 है ना? ये मेरी 7th गाड़ी है और 7ों पे यही नंबर लगा हुआ है। अच्छा, 7 गाड़ी आप लगभग अभी तक एक्सपीरियंस कर चुके, तब तो अच्छा। रखी हुई है मैंने, रखी हुई, बेची नहीं है? नहीं, बेचता नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग से या बाइक हो, सेल नहीं करनी है, सेल नहीं करनी है, और कंडीशन में है सभी। तो इस गाड़ी में क्या मींस, इसका क्या आपको अच्छा क्या चीज लगता है जिस वजह से आप XUV700 इन सब को छोड़ के? सबसे अच्छा है ये 4-व्हील ड्राइव है, इसका लुक अच्छा है। जहाँ हम लोग हिल स्टेशन वगैरह में जाया करते थे, रिवर के नजदीक जहाँ पानी है, अच्छा, मतलब रोड को छोड़ के, हाँ हाँ, तो वहाँ हमारी स्कॉर्पियो भी चली जाती थी लेकिन वो फंस जाती थी। जाइलो या स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो भी थी। अच्छा, जाइलो से पहले? जाइलो से नहीं, जाइलो से अभी ऐसा मैंने कहीं वो नहीं किया, लॉन्ग ट्रिप की है लेकिन वैसा नहीं किया, क्योंकि स्कॉर्पियो को ही मैंने देखा है कि इतनी परेशानी हुई थी, क्रेन वगैरह मंगानी पड़ गई थी। अच्छा, कहाँ आप कहाँ अटक गए थे? वो हम लोग गए थे धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है, वहाँ पे आपको हेमकुंड साहिब है, वहाँ हम गए हुए थे तो वहाँ फंस गई थी वो। और जाइलो से वैसा मैंने कुछ किया नहीं, तो यही मेरा मतलब वो था कि एक गाड़ी ऐसी होनी चाहिए ऑफ रोड ड्राइव। तो ऐसा क्यों नहीं किया? स्कॉर्पियो कैसी अच्छी लगी अगर? हाँ, तो स्कॉर्पियो में फिर 4x4 भी बीच में कुछ दिन के लिए आई थी एडवेंचर करके, हाँ, तो जाइलो के बदले आप वही ले लेते? हम लोगों का कोई प्लान वगैरह नहीं था उसका,
स्पोर्ट्स जो आप कह रहे हैं, हाँ, हाँ, स्पोर्ट्स आई थी, स्पोर्ट्स कर लेकिन उस समय हम लोगों का, क्योंकि मेरा दिल अब महिंद्रा से हट गया था क्योंकि क्यों? मेरे भाई साहब महिंद्रा से ही हैं, हाँ, हाँ. अभी उनका रोहतास डिस्ट्रिक्ट में एम शॉप है। अच्छा, तो मैंने उनको भी बोला था, अपने भाई को भी बोला था कि भाई अब हम गाड़ी लेंगे तो महिंद्रा की नहीं लेंगे, बहुत हो गया महिंद्रा, महिंद्रा स्कॉर्पियो चला लिया, ज़ाइलो चला लिया है ना जी। अच्छा, और फिर 300 है, 300 भी है, बताइए। तो उन्होंने वो बोलते है कि यार ऐसा क्यों भैया, मतलब गुस्से हो जा रहे इससे। मैं कहा नहीं यार, आप फोर्ड और एमजी की कोई गाड़ी लेंगे। अच्छा, एमजी पर कैसे है? एमजी तो काफी लोग, मतलब जो रगड़ टाइप की गाड़ी यूज करते हैं वो एमजी की तरफ उतना ज्यादा चॉइस रखते नहीं। वो क्या है कि मैंने ये ले ली कि भाई मैं अभी शेडल कोई गाड़ी ले लेता हूँ, लेकिन मेरी जब वो 11 साल की हो गई है आपकी ज़ाइलो, तो मैं लॉन्ग ट्रिप फैमिली के साथ उससे नहीं जा पाऊंगा। कुछ चीजें होती है भाई, इतने टाइम की इसको अब रेस्ट दे दीजिए, ज्यादा लॉन्ग राइड पे, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाया जा सकता, वो नहीं आपका वो। हाँ। और न्यू रहेगी गाड़ी 5 साल, पांच तो साल आप पूरा उसको यूज कीजिए। और हम यूज करते हैं, हम ये फ्लाइट और ट्रेन से कम ही सोचते हैं जाना। अच्छा, आप भी मतलब रोड वाले बंदे हो है ना, ज्यादा रोड से ट्रैवल करना, रुक लिए जिस रिलेटिव से दिल किया उससे मिल लिए। चलिए, ट्रेन और फ्लाइट में क्या है भाई, दिल्ली जाओ पटना आओ, बीच वाले तो कट गए। हुँ। उनके पास स्पेशल जाने का आजकल टाइम किसके पास, टाइम नहीं है, सभी किसी के पास। तो इसका ऑन रोड कितना पड़ गया होगा? ये हमको ऑन रोड पड़ गई आपको 1785, 1780 लाख। अच्छा, 18 लाख रुपए का, 18 लाख के करीब। तो स्कॉर्पियो एन में मतलब क्या बुरा लग रहा है? स्कॉर्पियो एन में भी 4x4 चलिए उतने ही बजट में, या फिर थोड़े और बजट बढ़ा करके आ जाती है आपके नहीं, मैंने पास? आपको बताया ना, मुझे ऑफ रोड गाड़ी चाहिए। तो ऑफ रोड वो क्या, उसमें ऑफ रोडिंग में क्या मजा नहीं है? ये वाला मजा नहीं है उन गाड़ी, उसमें भी इंजन में अच्छा खासा पावर है, इससे ज्यादा ही पावर है। वो सभी चीजें आपकी वो है, वही मैंने पहले कहा ना, जो इसके अंदर जो मजा है वो उन गाड़ियों में नहीं। चलिए, एक महीने का इसका आपको बताया, बहुत अच्छी गाड़ी है। आप कहें कोई चीजें अच्छी है तो कोई वो है, वही मजा है तो सजा क्या है, क्योंकि अब सजा हमारा पूछना है। यही है कि क्योंकि हम वहाँ आपके गए थे रांची। अच्छा, तो वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी की रेंगलर देखी थी मैंने, ओ 5 डोर वाली। हाँ, मेरे भाई साहब वहाँ पे उन लोगों से कनेक्टेड है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मैंने देखी थी, लेकिन उस गाड़ी को अगर हम लोग अपने में ले आते हैं, आप जानते हैं कि रेंगलर है, लेकिन हम लोग अपने कल्चर में लाएंगे ना इधर। हाँ। जो विलेज कल्चर हो गया या रोहतास डिस्ट्रिक्ट में अगर वो गाड़ी, हाँ, तो वो लोग कहेंगे यार बेलेरो ले, वैल्यू नहीं देंगे वो 60 लाख 65 लाख 70 लाख, कोई बोलेगा ही नहीं। नहीं नहीं, नहीं वैल्यू ही नहीं देंगे, कहेंगे बेवकूफ है जो इसने ये ले ली। हाँ। लेकिन वो आप हम जो जान रहे हैं वो समझ पाएंगे, लेकिन इसको सब समझ रहा है। अभी मैं अपने गाँव भी गया था, तो गाँव वालों ने बोली अरे यार गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी सही है ना, क्योंकि उस साइड अभी इस गाड़ी को देखा नहीं ज्यादातर लोगों ने। गाड़ी बोला किस कंपनी की, जबकि आपको महिंद्रा दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन उन लोगों को लग रहा है महिंद्रा ऐसा गाड़ी लाया है, बड़ा अच्छा गाड़ी लाया है ना, गोल मटोल सा बॉक्सी टाइप का डिजाइन वाला। हाँ। अच्छा, वो तो हाँ, सजा एक हाँ, यही है कि जो पीछे जाएंगे लोग। अच्छा, कौन से, थोड़ा आइए बताइए, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल देखना है ना। इसमें सजा बस यही है कि आप दो लोग चल रहे हो ठीक, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है, और आपके साथ दो बच्चे हैं या दो कोई फैमिली है, तो इसको इस रास्ते से जाना होगा। अच्छा, ये इसका रूट होगा, ये ऐसे करके जाना। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा है कंजेस्टेड है, खासकर लेडी और एजेड अगर कोई पीपल हैं तो। अब उसको सुधारने के लिए अगर वो एक यहाँ गेट दे देता तो गाड़ी का मजा खराब हो जाता, मजा खराब हो जाता। फाइव डोर अगर थार आती है तो क्या आपका क्या उसको लेकर, वो मजा नहीं आ पाएगा, वो बोलेरो वाला हो जाएगा फिर। अच्छा, वो मजा नहीं, ब्लैक कलर की बोलेरो ले लो फिर। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर आप जाते हो हमेशा, अब वो भी बाय रोड ही यूज होता है, तो आप जैसे इसमें कितने लोग चलते हो, फैमिली के साथ चलते हो या फिर कम? नहीं, अभी तो हम लोग पूरा फैमिली अभी देवघर वगैरह घूम के आए हैं। तो आप सामान का, असल में जो हमारा पूछना है ना, सामान को लेकर इशू, थोड़ा इससे लगेज भाई साहब ने पेट्रोल ले रखी है। हाँ, हाँ। उससे थोड़ा स्पेस इसका डिक्की में ज्यादा है। पेट्रोल में क्यों ज्यादा है भाई? पेट्रोल में कम है। अच्छा, कम है, मतलब थार में ज्यादा दे दिया जो नया आया है थार, ये कैसे, सारा डायमेंशन तो सेम है हमें लगता है, क्योंकि मैं आप बोलिएगा तो वो भी गाड़ी मंगा दूंगा। अच्छा, पेट्रोल वाले, इसमें कुछ मतलब हटके है। अभी हम लोग इसको क्या है, ये सीटें फोल्ड हो जाती हैं, दो लोग अगर हस्बैंड वाइफ जाना है कपल्स को तो वो अपना बैठ गया, इधर पूरा लैगेज डल जाता है ठीक। और वैसे हम लोगों का 3 ब्रीफकेस वो बड़ा वाला इजीली आ जाता है इसमें।
हम लोग रख के घूम के आए अभी। बट वही चीज है ना, रैंगलर आ जाएगी तो मतलब रैंगलर वाली आ जाएगी, फाइव डोर वाली ये गाड़ी, तब तो मतलब स्पेस भी हो ही जाएगा, स्पेस हो बैठने में भी पीछे वालों का आराम हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, वो बेलेरो हो जाएगा। वो आदत की, आदत की बात है ना, आदत आदत की बात है। अच्छा और क्या निगेटिव लाइक कोई वैसा चीज जो बताइए, माइलेज कितनी दे रही होगी आपको? माइलेज इसने हमको 12 की दी है। 12 की दी है। अच्छा एक जो है सवाल बच गया अपने संतोष भाई से कि ये बताया, जैसे अगर आपके पास तो जाइलो वाइलो अच्छी खासी गाड़ी है, बट अगर ये आपकी प्राइमरी कार या फिर सिर्फ घर में एक ही कार होती तो आप लेना इसे क्या, कैसा रहता लेना? नहीं फिर मजा नहीं आता इसका लेके, क्योंकि वो फिर फैमिली वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना। अभी तो आपके पास सेकेंडरी गाड़ी है तो आप उसे यूज में ला सकते हो फैमिली के। और हैंडलिंग वैंडलिंग का क्या है, हैंडलिंग कैसी है गाड़ी की? अभी तो इसको एक ही महीना हुआ है, अभी तो इतना कुछ है नहीं। और ब्रेक्स? हाँ ब्रेक्स बहुत अच्छी है, ब्रेक्स सही है। और कॉर्नरिंग ये सारे जो भी है उस पर कॉन्फिडेंस वगैरह उसका रेडियस। और ज्यादा टॉप स्पीड कितना तक आप गए? 130 पे कैसा कॉन्फिडेंस लेवल? बहुत स्मूथ गाड़ी चल रही थी, जबकि स्कॉर्पियो में मैंने देखा है कि वो उसमें कंपन आ जाती है। अच्छा ऐसा, बट फिर भी बोलते हैं कि थार के जो भी हैं ऑनर जो मतलब ज्यादा 120-130 पे उन्हें लगता है कि वैसा कोई खास कॉन्फिडेंस लूज टाइप का लगता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी गाड़ी चल रही थी। अभी हम लोग फतुहा पटना फोर लाइन पे थे, वहाँ मैं 130 चला रहा था, बहुत अच्छी गाड़ी चल रही थी। और भी इसको मैं चला सोचना था कि भाई और चलाएं, तो फिर फैमिली थी साथ में, उन लोगों ने बोला ठीक है, सही है भी नहीं। अच्छा और जैसे तेल का जो है फ्यूल टैंक खोलने में थोड़ा है कि चाबी निकाल कर दीजिए, ये है उसको एक स्विच देना चाहिए था, जैसे हर चीजों का दे रखा है वैसा एक स्विच देना चाहिए था फ्यूल टैंक का, जैसे नॉर्मली हर गाड़ी में आती है ना, देना चाहिए था, बट वो चीज नहीं दी गाड़ी को आपको, मतलब ब्लैक आपने करा रखा है ठीक। हाँ ग्लास जो है आपका ब्लैक है, तो उससे रिलेटेड कि आपको फाइन वाइन पुलिस वुलिस रोकते नहीं है? वो देखा जाएगा, देखा जाएगा, हल्का फल्का शौक है तो ब्लैक कर रखे है, जब फाइन होगा तो उसको दे दिया जाएगा है ना, जब गाड़ी इतनी महंगी आदमी शौक, जब असल तो जो कीमत है वो भाई शौक की है। तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यही सारा चीज था अपने संतोष भाई की तरफ से सारा ऑनरशिप एक्सपीरियंस इस गाड़ी को लेके। अभी तो ज्यादा दिन हुए, गाड़ी चली कितनी है? फर्स्ट सर्विस हुई है 1560 किलोमीटर आए हैं। अच्छा 1560 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम देखते हैं, अगर कोई वैसा निगेटिव या फिर कुछ रहा तो फिर आपके साथ भाई शेयर किया जाएगा है ना संतोष भाई? जी जी ठीक है, चलिए आपका भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपने चैनल पर आने के लिए, मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक ड्राइव से बी सेफ।